मैं राजेश्वरी, बीके बिरला सेंटर फॉर एजुकेशन की हिंदी अध्यापिका, आज आपको कक्षा दसवीं के खंड ग के अंतर्गत प्रथम पाठ कबीर की साखी से अवगत करवा रही हूँ। आशा करती हूँ इससे आपको सीखने में सरलता प्राप्त होगी। तो चलिए आज हम कबीर दास के बारे में पहले जानेंगे। कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। उनके द्वारा रचित 1.25 लाख दोहे कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा कबीर वाणी बीजक नाम से संग्रहित है। इन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। आइए आज हम उन्हीं के द्वारा रचित कुछ दोहों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात सत्य। पहला दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। प्रस्तुत दोहे में सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। ऐसी इस प्रकार, वाणी वचन, बोली बोलिए बोलना, मन हृदय, आपा अहंकार, खोई खोना, अपना स्वयं, तन शरीर, शीतल ठंडा, करे करना, औरन को दूसरों को, सुख खुशी, कोई अर्थात होना। इस प्रस्तुत दोहे में कबीर दास ने अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश दिया है। हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे हमें अपना तन शीतल अर्थात शांत और प्रसन्न हो जाए, साथ ही साथ सुनने वालों को भी उसका सुख मिले। अतः हमें आपस में मीठे बोल बोलकर मधुर व्यवहार करना चाहिए। इस दोहे की विशेषता, ईश्वर की सृष्टि में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति प्रदान की है। वह अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, इसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। बोलने के पहले शब्द मनुष्य के गुलाम होते हैं, कह देने के पश्चात मनुष्य शब्दों का गुलाम होता है, इसे हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अतः केवल स्नेह ही समाज को जोड़ सकता है जो मधुर वाणी से उपजता है। अब इस दोहे से संबंधित कुछ प्रश्न, हमें कैसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए? दूसरा, हमारी वाणी में क्या नहीं होना चाहिए? अच्छी वाणी का प्रयोग करने से किसे शीतलता प्राप्त होती है? चौथा, मधुर वाणी से किसे सुख प्राप्त होता है? अब पांच अंक का एक प्रश्न, मधुर वाणी बोलने के कबीर ने क्या क्या लाभ बताए हैं? अब हम चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। सबसे पहले दोहों में शब्दों के अर्थ। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ या औषधि, कुंडली नाभि, बसे अर्थात बसना, मृग हिरण, ढूंढे ढूंढना, वन वन या जंगल, माही में, ऐसी इसी प्रकार, घटी घटी घट घट में या कण कण में, राम ईश्वर, दुनिया संसार, देखें देखना, नाही नहीं। इस दोहे के द्वारा कबीर दास कहना चाहते हैं, कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में होता है, किंतु वह उसकी सुगंध महसूस करने या उसे पाने के लिए
मन मन में परेशान होकर भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर अर्थात राम भी सृष्टि के कण कण में तथा सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानता वश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। दोहे की विशेषता। कबीर निर्गुण भक्ति के कवि थे। वे ईश्वर को किसी एक रंग रूप आकार स्थल या धर्म में कैद नहीं करना चाहते थे। उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान व घट घट में विराजमान है। अतः हमें ईश्वर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तीर्थादि की बजाय हृदय में खोजना चाहिए। इस धोए से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न, मृग वन में किसे खोजता फिरता है? दूसरा, कस्तूरी कहाँ बसती है? मृग कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता फिरता है? कुंडली और घटी घटी का क्या अर्थ है? पांच मार्क का एक प्रश्न, कबीर ने कस्तूरी और मृग का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है? सविस्तार लिखिए। अब हम चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ। स्टार्ट। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माई। शब्दों के अर्थ, मैं अहंकार हरी ईश्वर नहीं न थे, हरी ईश्वर मैं अहंकार नाही नहीं। सब सब प्रकार का अंधियारा अज्ञान या अंधेरा मिटी गया नष्ट हो गया। दीपक ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, देखिया देखना माही अंदर। इस दोहे के द्वारा कबीरदास कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर अर्थात हम सबके अंदर अहंकार भरा हुआ है। उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। अब जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार समाप्त हो गया। जैसे ही मैंने उस ज्योति स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया तथा मुझे इस सत्य का दर्शन हो गया कि अहंकार ही ईश्वर का शत्रु और घोर विरोधी है। विशेषता, मनुष्य को ईश्वर भक्ति ज्ञान प्राप्त होना है तो पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब तक मैं मेरा वह अहंकार होगा तब तक ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं। इससे संबंधित प्रश्न, दोहे में मैं शब्द का क्या आशय है? सब अंधियारा मिटी गया का क्या प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? दीपक देखिया माही का क्या आशय है? कवि ने किस अंधकार के मिटने की बात कही है? कबीरदास की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आप चलते हैं अगले दोहे की तरफ। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोबे। शब्दों के अर्थ, सुखिया सुखी सब पूरा या संपूर्ण संसार दुनिया, खाए भोजन करना अरु और सोवे सोना, दुखिया दुखी दास सेवर या भक्त, कबीर कबीरदास जागे जागना अरु और रोवे रोना। शब्द इस दोहे के द्वारा कबीरदास कहते हैं, हम मौज मस्ती में डूबे रहने वालों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का कार्य करते हैं अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर खुश रहते हैं। कबीरदास कहते हैं वह दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है, इसलिए वे संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं।
विशेषता इसमें संसार के सभी लोग अपने जो है संसार के सभी लोग अपने सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं, लेकिन केवल जो है कबीर ही एक ऐसे हैं जो सांसारिक लोगों के दुखों को देखकर परेशान है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न, संसार की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? कबीर के अनुसार जागा हुआ कौन है? सारा संसार कबीर के दृष्टि में सुखी क्यों है? कबीर क्यों जागते और रोते हैं? कबीर में और संसार में क्या अंतर है? आपके अनुसार संसार में सुखी कौन एवं दुखी कौन है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आज के लिए ये चार दोहे हैं आपके समक्ष, आप इसे जरूर पढ़िएगा और आपके संदेहों का निवारण जल्दी से किया जाएगा। उसके लिए सभी सर्कुलर आपके पास उपलब्ध है।